अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास के टू का साइंस का लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं। इस लेक्चर में आज हम रीडिंग करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है प्लांट्स यानी पौधे, इसकी आज हम रीडिंग कर रहे हैं। प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, पौधों की हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत है। प्लांट्स आर ब्यूटीफुल टू लुक एट एंड दे आर यूजफुल, पौधे देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, यानी हमें इससे बहुत ज़्यादा फायदे हासिल होते हैं। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन, पौधे हवा को साफ रखते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड सम प्लांट्स आर बिग, कुछ पौधे जो होते हैं वो छोटे होते हैं और कुछ पौधे जो होते हैं वो बड़े होते हैं। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, बड़े पौधों को दरख्त कहा जाता है, यानी कुछ पौधे जो हैं वो साइज में छोटे होते हैं और कुछ पौधे बड़े होते हैं, और जो बड़े पौधे होते हैं उन्हें दरख्त कहते हैं। दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ, ये हमें ऑक्सीजन मुहैया करते हैं सांस लेने के लिए, यानी पौधों से हमें ऑक्सीजन हासिल होती है सांस लेने के लिए। वी गेट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स, इसके अलावा हम फ्रूट्स यानी फल और सब्जियाँ जो हैं वो भी पौधों से हासिल करते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, एक पार्ट प्लांट के एक पौधे के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। रूट, ये भी पौधे का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। रूट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, के रूट यानी जड़ जो है वो पौधे का वो हिस्सा होता है जो जमीन के नीचे होता है, यानी जेरे जमीन होता है और ये जड़ होती है। इट हेल्प्स अ प्लांट स्टे अपराइट, ये पौधे की मदद करता है सीधा रहने में। इट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, ये जमीन मिट्टी से जमीन से पानी जो है वो जज्ब करता है। स्टेम, ये पौधे का दूसरा हिस्सा है यानी तना। दिस पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स वाटर फ्रॉम द रूट्स, पौधे का ये हिस्सा जो है ये जड़ों से पानी लेता है। टू ब्रांचेज एंड लीव्स, और ब्रांचेज यानी शाखों और पत्तों तक पहुंचाता है, यानी स्टेम तना जो है ये जड़ों से पानी लेके शाखों और पत्तों तक पहुंचाता है। लीव्स, ये पौधे का तीसरा हिस्सा है जो हम पढ़ रहे हैं, तीसरा पार्ट है। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स, पत्ते जो हैं वो प्लांट्स के लिए फूड तैयार करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एयर एंड वाटर, सूरज की रोशनी हवा और पानी की मौजूदगी में कंबाइन टू मेक फूड इन लीव्स, यानी सूरज की रोशनी हवा और पानी की मौजूदगी में ये पौधों के लिए खुराक जो है तैयार करते हैं। उसके बाद है फ्लावर, पार्ट नंबर 4 है ये। फ्लावर इज द ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट, फूल जो है वो पौधे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है। फ्लावर मेक्स द फ्रूट एंड सीड्स ऑफ अ प्लांट, फूल जो हैं वो एक पौधे के फ्रूट्स और बीज बनाते हैं, यानी फल और बीज बनाते हैं। फूल जो है, मैं फिर से बता रही हूँ कि ये पौधे का खूबसूरत हिस्सा होता है और इसके अलावा ये पौधे के लिए फल और बीज बनाते हैं। वी लाइक टू ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनकी हम जड़ें खाना पसंद करते हैं। सच प्लांट्स इंक्लूड कैरेट, वो पौधे कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो इटीसी। इन पौधों में कैरेट, गाजर, मूली, टर्निप एंड स्वीट पोटैटो यानी शलजम और शकरकंदी वगैरह शामिल हैं। सम प्लांट्स हैव फ्लावर्स एंड सम हैव नॉट, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके ऊपर फूल होते हैं यानी उन पर फूल उगते हैं। एंड सम हैव नॉट, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर नहीं होते। ट्रीज प्रोवाइड फूड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, दरख्त जो हैं मुहैया करते हैं फूड बर्ड्स को और एनिमल्स को, यानी दरख्त जो हैं वो परिंदों और जानवरों को खुराक मुहैया करते हैं। इसके अलावा ये हम सबके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद हैं। स्टूडेंट्स, ये हमारी यूनिट नंबर 2 की रीडिंग थी प्लांट्स की, जो कंप्लीट हो गई है। आपने भी इसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 साइंस का कंप्लीट हो गया है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।